अशोक लेलैंड ने 6 टायर गाड़ी में यहाँ पर बस चेसिस को ट्रक चेसिस में कन्वर्ट कर उसकी जो पासिंग है वो 18,500 केजी की पासिंग दे रहे हैं 6 टायर गाड़ी में। क्या इस गाड़ी का खास फीचर है, क्या ये गाड़ी कस्टमर को लेनी चाहिए, किस पर्पस के लिए लेनी चाहिए, क्या उसमें यहाँ पर डिस्काउंट और क्या उसमें प्राइस रहेगा, पूरी स्पेसिफिकेशन से हमें पूरी वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। आज हमारे सामने खड़ी है 1920 BS6 गाड़ी। ये गाड़ी आप देख रहे हो तो एक बार आपको अंदाजा होगा ये बस चेसिस है, नहीं ये ट्रक चेसिस है, पर ये बस चेसिस को कन्वर्ट कर ट्रक चेसिस में यहाँ पर पासिंग दी है लेलैंड वालों ने। वो क्यों दी है, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था तो कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा चेसिस बस चेसिस यहाँ पर खड़ी रह गई थी, तो उसके लिए यहाँ पर उसको यहाँ पर पासिंग है वो ट्रक चेसिस जितनी उसको पासिंग कन्वर्ट कर ARI के रूप में यहाँ पर कस्टमर को दी जा रही है। इसमें क्या होता है, शो कोई नहीं आती, फ्रंट ग्रिल कोई नहीं आती, ना ही कोई बम्पर आता है, ना ही साइड मड़गाड़ आते हैं, और टायर के ऊपर जो मड़गाड़ है वो भी नहीं आते। ये गाड़ी ज़्यादातर हिमाचल एरिया में बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। यहाँ पर देखो हमको ये सारी गाड़ी का जो फ्रंट है वो फिर से नया BS6 में लगाना पड़ेगा, पर बहुत ही हिसाब से लगाना पड़ेगा, ताकि जो भी इसके रेडिएटर के पार्ट्स हैं, एंटी कूलर के पार्ट्स हैं, यहाँ पर देखते हो ECM VCM के कपलिंग है, TKU है, और ABC एसेसरी के जो पैडल्स हैं उसकी जो पीछे यहाँ पर कपलिंग दी हुई है उसको पूरी सही हिसाब से यहाँ पर हो पाए। और यहीं पर आ जाता है एयर क्लीनर, उसकी सेटिंग भी हमने यहाँ पर सही ढंग से करनी है, उस हिसाब से इस गाड़ी का हम काम करने वाले हैं। तो इस गाड़ी में जो इंजन आ रहा है वो एच सीरीज़ का गाड़ी में यहाँ पर इंजन आना है 5.6 लीटर का, और जो आपको देता है 200 HP और 700 Nm गाड़ी में टॉर्क देती है। जो गाड़ी में पासिंग है GVW ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 18,500 kg का आपको रहता है। सामने का शो आप यहाँ पर देखते हो, हेडलाइट्स, दो हेडलाइट्स मिले इंडिकेटर के साथ। इसको यहाँ पर हम बम्पर उतार कर ये टाटा वाला बम्पर लगाएंगे, लेलैंड वाला नहीं लगाएंगे, टाटा वाला बड़ा बम्पर, हैवी बम्पर लगाएंगे, और सारी ग्रिल है वो भी आगे से नहीं हम बनाने वाले हैं। यहीं पर बात कर लेते हैं हम साइड की, तो ड्राइवर साइड में यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेस है बैठने उठने के लिए, ABC सारे पैडल्स दिए हुए हैं, आसानी से एक्सीलेटर इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है, ब्रेक में यहाँ पर ABS की यहाँ पर ब्रेक्स प्लस ड्यूल चैम्बर हैवी ब्रेक्स दिए हैं। क्लच यहाँ पर आपको 380 mm डायका क्लच यहाँ पर मिल जाएगा, यहीं पर देखते हो आप एयर क्लीनर यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर यही हम गाड़ी में यहाँ पर कनेक्टर साइड की बात करें तो कनेक्टर साइड में मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जो यहाँ पर मड़गाड़ है वो टोटली चेंज है, कोई मड़गाड़ यहाँ पर नहीं मिलेगा, उसको सारा हमको रीफैब्रिकेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने मड़गाड़ बनाना है, उसको पूरी हमने मॉडिफाई करना है। यहीं पर देखते हो फ्यूज़ बॉक्स यहाँ पर दिया हो, ओपनिंग वाला फ्यूज़ बॉक्स। और थोड़ा सा ये ट्रक चेसिस से बस चेसिस के डिफरेंस आप कैसे लगा पाएँ कि जो गाड़ी हम रोड पर आप देख रहे हो तो वो ट्रक चेसिस है बस चेसिस है। एक तो आप यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सल है ना वो थोड़ा सा बस चेसिस का पीछे होता है, ट्रक चेसिस का आगे होता है, ये आप यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो। आगे में यहाँ पर देख सकते हो आप सेमी इलिप्टिकल मल्टी स्प्रिंग लीफ स्प्रिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, और ऑप्शन में आगे पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स भी रहती हैं। यहीं पर दो बैटरीज मिलती हैं 12-12 वोल्ट की, 24 वोल्ट और 120 एम्पीयर का करंट आपको वो देती हैं। इस गाड़ी में जो चेसिस नंबर है वो बस वाला प्रिंट हुआ हुआ है, यहाँ पर देख दो, जो अपना A5EHD5NEM ये बस सीरीज का चेसिस नंबर है, ट्रक वाला नहीं है, तो इस रूप में ये बस चेसिस कहलाती है। बट इसकी जो मान के चलिए फ़ायदा किसको होने वाला है, मान के चलिए आपकी गाड़ी जो काउलवारी आप ले रहे हो वो अगर आप गाड़ी ले रहे हो, ये गाड़ी क्यों ले रहे हो वो ले रहे हो, तो इसके लिए मैं बताता हूँ ये गाड़ी हल्की है, चेसिस हल्की है तो बॉडी भी हल्की बनेगी, पासिंग है वो आपको ज़्यादा मिलेगी, 5 mm की यहाँ पर थिकनेस के साथ आपको ये चेसिस आ रही है। गियर बॉक्स में यहाँ पर 6 गियर आगे की तरफ, 1 रिवर्स गियर आपको यहाँ पर मिल जाता है। क्योंकि इस गाड़ी में देखो अगर आप ये गाड़ी आप ले रहे हो तो जरूरी बात मैं आपको बताऊँ, देखो काउल वाली अगर चेसिस उसका जो प्राइस है वो 21,00,000 रुपये है। अगर ये बिना डैशबोर्ड की गाड़ी, बिना बम्पर की, बिना मड़गाड़ की गाड़ी बस चेसिस वाली आप ले रहे हो, अगर ये गाड़ी आपको 19.5 लाख या 20 लाख के आसपास, 1 लाख का डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट आपको मिलता है, तो आप ये गाड़ी जरूर प्रेफर कीजिए, आपका फ़ायदा जरूर होगा, पासिंग आपको गाड़ी में ज़्यादा मिलेगी। और जो डीजल टैंक है वो यहाँ पर देखो लोहे का बना हुआ है, प्लास्टिक का नहीं है, जैसे वहाँ पर देखते हो लेलैंड में यहाँ पर, वहाँ पर 375 लीटर का दिया हुआ है, यहाँ पर देखते हो आपको 220 लीटर का यहाँ पर डीजल टैंक आपको यहाँ पर मिला हुआ है, हैवी ढक्कन लगा हुआ है, लोहे का लगा हुआ है, यहाँ पर जो डीजल पंप भी यहाँ पर साथ में लगा हुआ है। 20 फिट की लंबाई के साथ ये चेसिस फ्रेम दिया हुआ है, क्रॉस मेंबर्स सारे रिवेटिंग क्रॉस मेंबर्स दिए हुए हैं, प्लस एक और ख़ास बात, जो भी यहाँ पर नट बोल्ट का काम किया हुआ है वो यहाँ पर सारे बाहर की तरफ निकाले हुए हैं,
एक थोड़ी सी जो कमी है लेलैंड में वो है, जैसे ये 6 टायर गाड़ी है इसमें जो स्पेयर व्हील है वो अंदर की तरफ दिया हुआ है। कंपनी को चाहिए था वो बाहर निकाले, क्योंकि अंदर में खोलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, ड्राइवर वगैरह खोल नहीं पाते। इसी हिसाब से यहाँ पर लेलैंड 4 टायर गाड़ी खड़ी है, वहाँ पर साइड में है। कुछ गाड़ियों में साइड माउंटेड भी आता है, कुछ में इनर माउंटेड आता है, तो वो कंपनी को अभी सभी मॉडल्स में साइड माउंटेड ही बनाना चाहिए। यहाँ पर देखते हो बैक रोके यहाँ पर दिए हुए हैं। यहीं पर बात कर लेते हैं पीछे की, LED बैक लाइट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, हिंदुजा ग्रुप की यहाँ पर बैजिंग है। बैक बम्पर बहुत ही हैवी है। और यहीं पर बात कर लेते हैं हम ड्राइवर साइड की, गाड़ी में यहाँ पर टायर साइज की बात करें 295/90/20 के यहाँ पर रेडियल ट्यूब टायर्स आपको यहाँ पर गाड़ी मिल जाएंगे। ये जो गाड़ी है वो वर्क करती है IGR टेक्नोलॉजी पर। इसमें क्या होता है, जो भी यहाँ पर एग्जॉस्ट होता है वो एक बार फिर से दोबारा पंप होता है पिस्टन पर, उसके बाद IGR टेक्नोलॉजी पर आता है, तो उसके बाद फिल्टर होकर BS6 गाड़ी ये बनती है। जो पॉल्यूटेंट्स है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, एनवायरमेंट इको फ्रेंडली हो जाती है। 9 लीटर की यहाँ पर आपको AdBlue टैंक मिलेगा। क्या आप जानते हो जो दूसरी गाड़ी है उसमें आपको 48 लीटर का AdBlue टैंक मिलता है, मां के जो 4 टायर गाड़ी है उसमें 48 लीटर का कैपेसिटी का मिलता है, इसमें आपको 9 लीटर का यहां पर AdBlue टैंक आपको यहां पर मिलता है। ये था इस गाड़ी का यहां पर चेसिस का और फ्रंट का रिव्यू। अभी हम कर लेते हैं इंजन साउंड की बात, कैसी आपको इंजन साउंड यहाँ पर गाड़ी में मिलेगी। यहाँ पर अभी हम गाड़ी की चेसिस है वो स्टार्ट करने वाले हैं, इंजन साउंड आप जरूर चेक करना। काफ़ी हैवी आवाज़ है इंजन की, ऐसी नहीं है कि अच्छी इंजन, बहुत ही हैवी आवाज़ आ रही है। यहाँ पर देख सकते हो आपको किलोमीटर पर आर फ्यूल टैंक और यहाँ पर RPM मीटर, टेम्परेचर मीटर और 2 इंच x 4 इंच की यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है। लेलैंड लोगो है और प्लस यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर स्टेयरिंग देख सकते हो आप, यहाँ पर 4 कट्स वाला आपको यहाँ पर स्टेयरिंग मिल जाता है, बहुत ही स्मॉल साइज़ का है और इजिली मूवेबल है। यहाँ पर देखते हो गियर लीवर, 6 स्पीड आगे की तरफ और एक रिवर्स गियर आपको यहाँ पर मिल जाए। इंजन है वो गाड़ी का वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंजन यहाँ पर दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस इंजन है चेसिस का, आप यहाँ पर देख सकते हो एक बार रिव्यू। अगर आपको इस गाड़ी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपका कौन सा वीडियो अगला हम आपके लिए लेकर आएँ, नेक्स्ट पार्ट किस चीज़ का होने वाला है। और वर्कशॉप में आप हमसे अपना ट्रक बॉडी काम करवा सकते हो। पंजाब में हमारी वर्कशॉप है पटियाला डिस्ट्रिक्ट सिटी समाना में, 9041144223 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। ब्रेक्स है वो यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर ब्रेक्स पावर।